वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है सुभाष चंद्र बोस। लास्ट क्लास में हमने सुभाष चंद्र बोस का जो बेसिक जीवन परिचय है, जो बेसिक जानकारी है उसको हमने लिया। अभी आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे मतलब सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में आगे। चलिए तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थडे है 23 जनवरी, उसको किस दिन के नाम से मनाया जाता है। तो देखो ये इसका आंसर इसमें आगे दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से मनाई जाती है, ध्यान रखना। और जनवरी में ही एक व्यक्ति एक महापुरुष का बर्थडे और होता है 12 जनवरी को, और उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद का जो बर्थडे है उसको हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ष 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने चितरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित फॉरवर्ड के संपादन का कार्य संभाला। तो फॉरवर्ड नामक जो समाचार पत्र है इसको कौन निकालता था, तो ध्यान रखना, ये मत सोच लेना कि फॉरवर्ड पार्टी बनाई है सुभाष चंद्र बोस ने तो जो है फॉरवर्ड नाम का जो पेपर है वो भी सुभाष चंद्र बोस ही चलाते होंगे, नहीं। ये जो पेपर है साथियों इसको चलाते थे C.R. दास, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण बात है, पेपर में आया तो गलत हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस, सॉरी मैं कह रहा हूँ विवेकानंद बोस, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चितरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। 1921 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस का सेक्रेटरी यानी सचिव चुना गया। 1925 में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित होने के कारण उन्हें मांडले जेल भेज दिया गया, जहाँ वह तपेदिक बीमारी से ग्रसित हो गए। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्ष 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ये जो इलेक्शन था इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, और इसी से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखना, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगला पॉइंट देखिए, सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से, यानी नमक सत्याग्रह का मतलब है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो, उसमें उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा गांधी जी को ये आंदोलन समाप्त नहीं करना चाहिए। वर्ष 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू तथा M.N. रॉय के साथ कांग्रेस की वामपंथी राजनीति में संलग्न रहे। वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे, वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो दिया। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की गई, इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस ने चौथा स्थान हासिल करते हुए भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन 1921 में कांग्रेस के सदस्य बनकर स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए ICS से इस्तीफा दे दिया। उनके राजनीतिक गुरु चितरंजन दास थे और आध्यात्मिक गुरु कौन है, स्वामी विवेकानंद, ध्यान रखना। 1923 में वो कलकत्ता के मेयर बने। आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताइए वह कौन सा गवर्नर था जो ये कहता था कि मैं गवर्नर पद को छोड़ने के बाद कलकत्ता का मेयर बनना पसंद करूंगा, वह कौन सा गवर्नर था। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने हिस्ट्री सही से पढ़ा है, मालूम चल जाएगा आज। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को जुलाई में गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने विरोध किया और कलकत्ता में हालवेल के लिए प्रस्तावित स्मारक के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने का प्रयास किया। दिसंबर 1940 में भूख हड़ताल करने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में यह अफवाह फैली कि बोस भाग गए। 26 जनवरी 1941 को भगत राम की मदद से वे छदम नाम जियाउद्दीन के तहत पेशावर पहुंचे, यानी उन्होंने अपना नाम बदलकर जियाउद्दीन रख लिया। आगे देखो, जब सिंगापुर में मोहन सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया तो रास बिहारी बोस बहुत उत्साहित थे।
और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए टोकियो उन्होंने छोड़ दिया। यह बैंकॉक में एक सम्मेलन था, उस समय बैंकॉक जो है जापान के कब्जे में था, कि INA को एक भारतीय स्वतंत्रता लीग के तहत रखने का फैसला लिया गया जिसके अध्यक्ष स्वयं रास बिहारी बोस होंगे। उन्होंने 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। जब सुभाष चंद्र बोस को जापानियों ने INA का नेतृत्व करने के लिए कहा तो वे उसके लिए तैयार हो गए। वह सिंगापुर गए और रास बिहारी बोस से मिले। देखिए, मैं आपको बता दूं कि INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने में दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पहले हैं कैप्टन मोहन सिंह, दूसरे हैं रास बिहारी बोस, तथा तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है मेजर फुजिहारा। ध्यान रखना, मेजर फुजिहारा जो हैं ये जापानी सेना में मेजर थे, ठीक है। तो मेजर फुजिहारा, इनका भी काफ़ी योगदान है, इन्होंने भारतीय लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया है, ठीक है। हाँ जी, वे सिंगापुर गए तथा रास बिहारी बोस से मिले और बाद में खुशी खुशी भारतीय स्वतंत्रता लीग और INA के नियंत्रण तथा नेतृत्व को सुभाष को जुलाई 1943 में सौंप दिया गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रास बिहारी बोस द्वारा दिए गए संगठनात्मक संगठनात्मक स्पैड वर्क पर था कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस 25 अगस्त को INA के सर्वोच्च कमांडर बने। फरवरी 1944 में फेफड़ों की क्षति के बाद रास बिहारी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया और 21 जनवरी 1945 को रास बिहारी बोस की मृत्यु हो गई। क्रांतिकारी का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद नहीं बल्कि ऐसी क्रांति लाना है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सरकार देश में स्थापित की जा सके, ये कथन सुभाष चंद्र बोस का है। और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर अस्थायी सरकार की भी स्थापना करी साथियों, और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही अपने मन से अस्थायी सरकार बना ली। सुभाष चंद्र बोस की सरकार को जो है काफ़ी सारे देश मान्यता देते थे, जैसे रूस है, जर्मनी है, जापान है, ये सारे के सारे देश जो है इनकी अस्थायी सेना को मान्यता देते थे। और इनका सुभाष चंद्र बोस का सम्मान वही था जो कि भारत के राष्ट्रपति का आज के समय में होता है। जब सुभाष चंद्र बोस जापान जाते थे तो खुद जापान के प्रधानमंत्री जिनका नाम था टोजो, वो उनको लेने वहाँ पर आते थे। तो वाकई में मानना पड़ेगा कि एक बहुत ही शक्तिशाली पर्सनैलिटी हैं सुभाष चंद्र बोस। अब आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।